चलिए हम लोग आज नॉनवेज बनाते हैं। वेज तो हमने बहुत खा लिया, पर नॉनवेज आज मैं पहली बार बनने जा रही हूँ, और वो भी फिश बनाऊंगी। सबसे पहले फिश वो भी बिहारी स्टाइल में बनाऊंगी। मेरे बिहार में ग्रेवी के साथ फिश बनता है, इसलिए मैं ग्रेवी वाला फिश बनाऊंगी। उसके लिए मैंने मसाले ले रखे हैं, है तो खड़े, इनको मैं पीसूंगी। दो बड़े प्याज हैं, थोड़े से सूखे मिर्च हैं, थोड़ा सा जीरा है, धनिया पत्ता बनने के बाद थोड़ा दो टमाटर है, थोड़ी कलियां लहसुन की है, और लगभग दो बड़े चम्मच सरसों है, पीला सरसों। और इधर मैं ले रखी हूँ मेथी, उसमें बघार डालने के लिए हल्दी है, हल्दी पाउडर है डेढ़ चम्मच, एक चम्मच धनिया, इसमें धनिया कम पड़ता है इसलिए मैंने एक छोटा चम्मच धनिया लिया है, और नमक। तो चलिए मैं इन लोग को पीस करके दिखाती हूँ सब मसालों को। ये देखिए मैंने सारे मसाले पीस लिए हैं, धनिया पिसा हुआ था, हल्दी पिसा हुआ था, और प्याज, सरसों, लहसुन, मिर्ची, इसमें मैंने जीरा डाल दिया, सब मैंने पीस दिया। अदरक टमाटर है, अब इसको मैं चलती हूँ मछली साफ करने के लिए। किलो मछली ली हूँ, एक किलो 100 ग्राम है, इसको मैं अच्छे से साफ करती हूँ। मैं बाजार में पीसेस करवा करके लाई हूँ, देखिए इनको मैं अच्छे से साफ करती हूँ धो करके। इनको अच्छे से मैं धो करके इसमें हल्दी छिड़क रही हूँ और नमक छिड़क रही हूँ। नमक स्वाद अनुसार देंगे और इसको अच्छे से मिला करके मैं इसको तेल में डालती हूँ। मैंने तेल गरम करके रखा है कढ़ाई में, अब इसमें मैं मछली डालती हूँ। मछली को डीप फ्राई करना है अच्छे से। जब तक कढ़ाई अच्छे से ना गरम हो जाए तब मछली ना डालना। अगर ठंडी कढ़ाई में आप मछली डाल देंगे तो मछली चू हो जाएगा, पलटाएगा नहीं, टूट जाएगा टुकड़े टुकड़े में। गोल्डन हो गया है, ये देखिए अच्छे से पक गया मेरा मछली का पीस, सब गोल्डन हो गया। मैं सारे पीसेस को निकाल लेती हूँ। इस तरह से सारी मछलियाँ मैंने फ्राई कर ली हैं, अच्छे से डीप फ्राई कर ली हैं। अब मैं तेल, मेरा पुराना तेल ही गर्म है, इसमें मैं मेथी डालती हूँ। सबसे पहले मेथी डालूंगी, मेथी के बाद प्याज डालूंगी, प्याज को लाल होने तक गिर रहे हैं। ये देखिए मेरा प्याज एकदम बिल्कुल गोल्डन हो गया है, अब इसमें मैं लहसुन डालती हूँ। लहसुन भी पूरा लाल हो गया है भूज करके, अब इसमें मैं हल्दी डाल दी, अब सारी मिर्ची और जीरा का जो पेस्ट था वो मैंने डाल दिया। इसको चलाने के बाद थोड़ा धनिया का पेस्ट है वो मैं डाल दे रही हूँ। दो मिनट चलाने के बाद इसमें मैं सरसों पीसी थी, सरसों डाल दूंगी। सरसों को थोड़ा चलाने के बाद इसमें टमाटर डाल रही हूँ, अब मैं नमक डाल रही हूँ। ग्रेवी मेरा भून गया है, अब इसमें मैं पानी डाल रही हूँ, दो बड़ा गिलास पानी डाल दूँ, क्योंकि एक किलो मछली का ग्रेवी है, हम लोग ग्रेवी वाला ज्यादा पसंद करते हैं बिहारी लोग। तरह से अब ग्रेवी को बॉयल आने तक मैं छोड़ती हूँ। देखिए मेरा ग्रेवी अच्छे से खोल गया है, अब इसमें मैं सारी मछली भूजी हुई मछलियाँ डाल रही हूँ। सारा मैंने डाल दिया इसमें ग्रेवी में, अब इसको खोलने के लिए मैं 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। 5-7 मिनट हो गए, अब मछली को निकाल कर देखती हूँ। लगता है कि खोल गया है, देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। मैंने मुंडी को ही पका दिया इसमें, अब इसमें मैं धनिया पत्ता डालती हूँ। देखिए धनिया पत्ता कितना हेल्दी दिख रहा है, कितना टेस्टी दिख रहा है। आप भी घर में ट्राई करें, एकदम इजी है बनाना। इसको मैं सर्व करके दिखाती हूँ कितना टेस्टी लग रहा है। अब आप इसको बच्चों को खिलाएं, बड़े लोगों को खिलाएं, और घर में जरूर ट्राई करें कितना टेस्टी बना हुआ है मछली चावल प्याज के साथ। इसको सर्व करें।